यस, गुड इवनिंग अगेन। सो इट इज 8 PM। सभी लोग आप अपना अटेंडेंस बना दीजिए चैट बॉक्स में। आज का हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 11 मैथमेटिक्स 2 के सर्कल्स का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सर्कल्स सर्कल का पेरीमीटर के बारे में हमने देखा और कुछ क्वेश्चंस किए थे। देन आफ्टर आज इसका इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आर्क के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज आर्क और व्हाट इज माइनर आर्क एंड व्हाट इज मेजर आर्क, ये हम देखेंगे। देन ये चैप्टर 11 में जो कि सर्कल है, इसके सारे टॉपिक्स आपके एंड हो जाएंगे। सो तब तक आप लोग अटेंडेंस बनाइए, हम अपना स्क्रीन व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देन चैप्टर 11 एंड हो जाएगा, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड टू द चैप्टर नंबर 12, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। अच्छा, आई थिंक सभी लोगों ने टेस्ट लगभग दिए होंगे, तो क्या आप टेस्ट के क्वेश्चंस में कोई क्वेरी भी है आपको क्या? टेस्ट के क्वेश्चंस में क्वेरी भी है आपको? अगर है तो हम 4-5 मिनट में कभी भी आपके टेस्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देंगे। तो फिलहाल अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बीच में या क्लास के एंड में अगर टाइम मिलेगा तो यस, ओके। हाँ, आपको डाउट्स हैं, ओके, तो हम क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो पहले हम ये टॉपिक देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जाम। मुझे भी लगा कि क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। सो बुक आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है फिलहाल, थोड़ा सा वेट कीजिए। यस, सो पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 11 सर्कल स्टार्ट किया था। सर्कल के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज कोण, व्हाट इज डायमीटर, क्या होते हैं रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशंस होती है। शायद आपको याद होगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन टू। डायमीटर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेट इज कॉल्ड एज रेडियस। देन इसके बाद हमने देखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर। सबसे पहले हमने ये जाना कि व्हाट इज सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है। देन सर्कमफेरेंस और डायमीटर के बीच में हमने क्या देखा, रिलेशंस देखा। तो कुछ ये रिलेशंस कुछ ऐसा आया, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। जब हम व्हाइट बोर्ड ऑन करेंगे तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला मैं फिर से लिख दूंगा। देन उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आपसे भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे कुछ ये कि सर्कल का रेडियस दे दिया मैंने तो आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करने हैं, डायमीटर दे दिया तो रेडियस फाइंड करने हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, हम छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, ओके। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 42 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के लिए बोला था। शायद आप लोगों ने ये टेबल कंप्लीट करके आए होंगे। प्रैक्टिस सेट 42 में किसी को कोई भी क्वेरीज भी है? प्रैक्टिस सेट 42 में किसी को कुछ पूछना भी है क्या? प्रैक्टिस सेट 42, सर प्लीज क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन शायद लास्ट। अच्छा, हाँ एक्चुअली पिछले पिछले क्लासेस में होमवर्क में थोड़ा सा एरर आ गया था। मैंने साइंस 6 के साइंस को मैं 7th के गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड गलती से कर दिया था, ओके। बट मैंने ऑरली आपको बोला था कि प्रैक्टिस सेट 41 के 42 के क्वेश्चन नंबर 1 करने हैं आपको। क्वेश्चन 1 में ही आपको डॉट्स हैं, तो क्वेश्चन 1 मैं क्वेश्चन 1 डिस्कस करने के फेवर में नहीं हूँ।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन में सबसे पहला क्या दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन दूसरे वाले कॉलम में आपको क्या फाइंड करने हैं, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ओके, तो 7 सेंटीमीटर के बाद क्या हो जाएगा वहां पे, 7 × 2 इज इक्वल टू 14। एंड तीसरे वाले कॉलम में क्या है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू तीसरे वाले में हमें क्या करने हैं, प्रैक्टिस सेट 42 के क्वेश्चन नंबर वन में बता रहा हूँ। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एंड इनटू रेडियस। सो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे क्या देंगे, 22/7। एंड यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस इज सेवन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 एंड 7 कैंसिल हो जा रहा है। सो 22 × 44। तो यहाँ पे ये वाले बॉक्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा। ओके, 7, 14 एंड 44। तो तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन में मेरे ख्याल से आपको डॉट्स नहीं होने चाहिए, या आपके चैट बॉक्स देख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं क्या आप लोग, प्रैक्टिस सेट 42 के क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिस सेट 42 के क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ ए बल्लक कार्ड हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। एक बैलगाड़ी है जिसकी व्हील की डायमीटर क्या है, 1.4 मीटर है। ओके, हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार ट्रेवल 1.1 किलोमीटर। तो एक 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 क्या है, बल्क कार्ट है जिसका व्हील का डायमीटर क्या है, 1.4 मीटर है। तो यह गाड़ी अगर 1.1 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो यह टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये क्वेश्चंस में 2 मिनट में मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शायद कठिनाई होगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये ऐसा है कि एक ये बैलगाड़ी का ये क्या है, चक्का है। ओके, व्हील, ये क्या है, व्हील ऑफ अ बल्क कार्ट। तो दिस इज द व्हील ऑफ बल्क, दिस इज द व्हील ऑफ कार्ट एंड द डायमीटर ऑफ कार्ट इज, डायमीटर कितने हैं इसके, डायमीटर इज 1.4, डायमीटर इज 1.4 मीटर। ओके, डायमीटर क्या है, 1.4 मीटर इसका डायमीटर है। ओके, डायमीटर को डी से लिखा, एंड इट इज 1.4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 1.4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस इसका क्या आ जाएगा, 0.7। 0.7 मीन्स यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा डैट इज 0.7। ओके, तो रेडियस इसका क्या आ गया, 0.7। तो ये एक व्हील है, तो ये व्हील क्या कर रही है, ये सड़क पे जा रही है। ओके, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ओके, तो अगर हम इस व्हील का सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, अगर हम इस व्हील का ये वाला पार्ट निकाल लेंगे कि ये सरकमफेरेंस कितना है, और उसे हम अगर सरकमफेरेंस को 1.1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने ये रोटेशन किए हैं। तो सरकमफेरेंस आप थोड़ा ध्यान से अपना भी दिमाग लगाइएगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। सो 2 × 22/7, एंड रेडियस हमने क्या निकाले थे, रेडियस इज 0.7 × 0.7। ओके, तो 0.7 को मैं ब्रेक किया, पॉइंट को कट करके नीचे में 10 डाला, 7 एंड 7 कैंसल हो जाएंगे, 7 और ये 7 कैंसल हो जाएंगे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 × 2 इज इक्वल टू 44/, ये एक 0 आ जाएगा, तो 4.4, कुछ ये ऐसा, 4.4 मीटर।
मीन्स ये व्हील, ये कार्ट का व्हील अगर एक रोटेशन कंप्लीट करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो कितना, एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो 4.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और इसको कितने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं, 1.1 किलोमीटर। तो अब हम यूनिटरी मेथड से देखते हैं, यूनिटरी मेथड से देखते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 4.4 मीटर। ओके, तो 1.1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे, 1.1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये 1100 मीटर होगा। तो इसे अगर आप 4.4 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर जितना भी आएगा, ये आपका, एक मिनट, हाँ, सो 1 रिवॉल्यूशन में ये 4.4 मीटर ट्रेवल किए, तो 1.1 किलोमीटर में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो 1.1 किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो इट विल 1100, एंड इसे आपने क्या किया, 4.4 से डिवाइड किया, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 4.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट कैंसल हो गया, ऊपर में 10 चला गया, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 5, 2 एंड 50, सो 55 जा 250 रिवॉल्यूशन। सो कितने रिवॉल्यूशन इस कार्ट को चाहिए होगा, 250 रिवॉल्यूशन जब इनका हो जाएगा तो 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से यस आप समझ चुके होंगे, ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या, ये क्वेश्चंस मैंने जो अभी डिस्कस किया आप समझ पाए क्या, यस बाकी लोग, सभी लोग इस क्वेश्चंस को समझ पाए क्या, थोड़ा सा विजुअलाइज करिए कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चंस ये पूछा गया था कि एक बल्क कार्ट है जिसके व्हील के डायमीटर 1.4 मीटर है, और ये एक 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल करने हैं, 1.1 किलोमीटर, यस हाँ। तो ये क्या था, लेट अस सपोज आप अपने साइकिल से ही अगर ट्रेवल करोगे तो साइकिल क्या घूमेगी, साइकिल राउंड राउंड घूमेगी। ओके, ये कुछ राउंड राउंड रोटेट करेगी तब ये आपका साइकिल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया था कि व्हील का डायमीटर क्या है, व्हील का डायमीटर 1.4 मीटर था डायमीटर, एंड कितने रिवॉल्यूशन इसको कंप्लीट लगेंगे ताकि ये 1.1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। तो ये क्वेश्चन एक सीधा सा क्वेश्चन था, आप घर पे भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे इस सब तरह के क्वेश्चंस, आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे, और जब आप बड़े होकर के कंपिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करोगे तो भी इस सब तरह के क्वेश्चंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके, सो हम टॉपिक पे आगे अब प्रोसीड करते हैं। ये अभी हमने पिछले क्लासेस का ब्रीफ डिस्कशन, हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया, प्रैक्टिस सेट 42 का, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला हमने डिस्कस किया। बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने घर पे बनाइएगा, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो इसके बाद हमें पढ़ने हैं आर्क ऑफ सर्कल। तो आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पिछले क्लासेस में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये क्या है, ये क्या है, ये सर्कल है, एंड सर्कल क्या, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से अगर यहाँ पे अगर एक लाइन खींची जाए तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इसी को अगर आप डायरेक्टली अपोजिट बना दोगे, 180 डिग्री यहाँ पे रहेगा, तो ये कंप्लीट वाला क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख रहे हैं कि
ये छोटा वाला ग्रीन वाला क्या है, रेडियस एंड रेडियस। सो रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, सो आर प्लस आर इज 2 आर, 2 आर इज इक्वल टू डू डी, देन आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, मीन्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ये सबसे पहला रिलेशंस हमने पढ़ा था कि रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशंस होती है। इसके बाद हमने देखे थे कि इसके बाद हमने ये देखा था कि सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किए और यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये पॉइंट क्या है ए, और ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया इस रास्ते से और फिर वापस पॉइंट ए पे आ गया, तो आपने जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल किए डैट इज कॉल्ड एज सरकमफेरेंस, डैट इज कॉल्ड एज सरकमफेरेंस। ओके, तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर, वेयर 2 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, 2 का मतलब 2 हो गया, एंड पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू मैंने आपको बताया था 22/7, और आप इसे 3.14 कुछ इस तरह लिख सकते हो। एंड आर क्या है यहाँ पे, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई एक सर्कल दिया हो और इस सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ हो, रेडियस रेडियस आपको दिया हुआ हो, तो आप ये वाला जो पार्ट है, ये जो एक राउंड ये वाला पार्ट है जिसे सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो आप ये वाले फॉर्मूले से आप सरकमफेरेंस को फाइंड कर सकते हो रेडियस के जगह पे वैल्यू को पुट करके। ओके, तो इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज आर्क, हमारा डिस्कशन आज का स्टार्ट होगा आर्क से, हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा। ओके, सो लेट अस सपोज ये क्या है, ये एक बैंगल है। ओके, ये क्या है, एक बैंगल, बैंगल मीन्स चूड़ी लहठी जिसे बैंगल्स बोला जाता है। ये मैंने एक बैंगल्स लिया, एक बार मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ आपका, मेरे यस द डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस, ये समझने के लिए मैं आपको बताया। यस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर स्क्वायर नहीं होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, आपने लिखे हैं कि डायमीटर स्क्वायर रेज 2, सो मे बी यस। सो माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू, मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से आपको? हाँ, रेडियस इज इक्वल टू, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, मुझे भी लगा कि शायद साइन आपको नहीं मिल रहे होंगे। ओके, मेरी आवाज सही है? यस, किसी को अगर कोई भी क्वेरीज अगर बीच में हो तो आप चैट बॉक्स में आप अपना नाम डाल सकते हो, फिर मैं आपको चैट देखूंगा तो आपको माइक ऑन करके पूछने के लिए बोलूंगा, या आप अपना डायरेक्टली क्वेरी भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैंगल लिया। ओके, बैंगल लिया और बैंगल को लेट अस सपोज यहाँ से क्या गया, बैंगल यहाँ से टूट गया। ओके, बैंगल यहाँ से टूट गया, यहाँ से तोड़ करके एक पार्ट मैंने यहाँ रिमूव कर दिया और यहाँ से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे दो पार्ट्स आपको मिल रहे हैं, देर आर टू पार्ट, दिस वन इज अ स्मॉलर एंड दिस वन इज लार्जर पार्ट। ओके, एक क्या है, ये छोटा वाला पार्ट है और ये क्या है, बड़ा वाला पार्ट है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है। ओके, जो ये घुमावदार ये वाला होता है शेप, मीन्स सर्कल का कोई भी एक पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज आर्क। ओके, अगर कुछ ऐसा है या ऐसा है, मीन्स सर्कल का कोई एक पार्ट है। लेट अस सपोज मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये क्या है, दिस इज अ सर्कल। ओके, ये क्या है, ये एक सर्कल है और ये आधे पार्ट को मैं रिमूव कर दिया, आधे पार्ट को रिमूव कर दिया, तो ये क्या बचा,
ये जो अभी आपके सामने ये दिख रहा है, ये आर्क, ये क्या है? आर्क। इसे क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ओके, तो ये इसी तरह अगर हम इतना छोटा अगर काटेंगे, बहुत छोटा, ओके, तो ये अभी क्या है? बहुत बड़ा है। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। ये क्या है? कंप्लीट सर्कल नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये क्या हो गया? आर्क हो गया। ये क्या कहलाएगा? ये भी एक आर्क ही कहलाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया, तीन चार डिफरेंट पार्ट्स में ये राइट साइड वाला जो सर्कल है उसे मैंने डिवाइड किया। सो पहला एक आर्क ये हो गया, दिस इज द सेकेंड आर्क, दिस वन इज थर्ड आर्क, दिस वन इज फोर्थ आर्क। यहाँ पे आप चार आर्क आप देख पा रहे हो। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्क होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं, ये वाला फिगर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, दिस इज लार्जर देन दिस वन। ओके, तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर मीन्स बड़ा, मीन्स ज्यादा पोर्शन पे ये है, डेट सो इट इज कॉल्ड एज मेजर आर्क। और ये क्या, ये मीन्स इसके कंपेयर में क्या है, एक कम पार्ट्स, मीन्स इसके कंपेयर में क्या, ये क्या है, छोटा है। सो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड एज माइनर आर्क। ओके, माइनर आर्क, माइनर मीन्स छोटा एंड मेजर मीन्स बड़ा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जिसकी उम्र 18 से कम होती है तो उसे क्या बोल दिया, उससे बोला जाता है माइनर। ओके, जैसे आधार कार्ड बनवाने जाओगे आप या पैन कार्ड बनवाने जाओगे, तो 18 से जिनका उम्र कम है दे आर कॉल्ड एज माइनर। तो माइनर का मतलब क्या समझे आप? छोटा वाला पार्ट। एंड मेजर का मतलब क्या हो गया? बड़ा वाला पार्ट। और आर्क तो आप समझ ही गए कि सर्कल का कोई भी पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज आर्क। सो दिस इज मेजर आर्क एंड दिस इज माइनर आर्क। सो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क आप लोग शायद समझ चुके होंगे। यस, साउंड इज ब्रेकिंग, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? ओके, यस, द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड एज माइनर आर्क। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? ज्यादातर लोगों ने इट इज क्लियर, दैट्स वाई मेरी आवाज मे बी क्लियर होगी। यस, हाँ, यस, द लार्जर पार्ट क्या होगी? मेजर आर्क। तो आर्क क्या, आप लोग समझ पाए क्या? आर्क, आर्क, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क आप समझ पाए क्या? यस, ओके। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो बस एक छोटा सा और टॉपिक है इस चैप्टर में बचा हुआ है। सो ये एक क्या, ये एक सर्कल है, तो और ये क्या है, सर्कल है, एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ओ, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ओ। तो सेंटर पॉइंट के अलोंग कोई भी अगर आप एंगल मेजर करोगे, कोई भी एंगल आप मेजर करोगे, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। ओके, जैसे ये एंगल लेट अस सपोज 30 डिग्री का है। इसी तरह मैं दूसरे वाले ने दूसरे स्लाइड में लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक सर्कल बनाया। और एक मिनट, ये क्या है? ये हमारा सेंटर है। सेंटर से एक आर्म इधर गया और एक आर्म इधर गया, तो ये एंगल क्या बना? ये एंगल 90 डिग्री बना। ओके,
तो ये भी क्या बन रहा है, सेंटर से बन रहा है। लेट अस सपोज एक और दूसरा मैं बनाता हूँ, ये रेड वाला, ये भी कहाँ से, मीन सेंटर पॉइंट से, ये इसका वर्टेक्स है। सो दिस ऑल एंगल आर कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ये क्या हो गया, सेंट्रल एंगल। ओके, अब इसके बाद सेंट्रल एंगल ये मैं बता दिया, और एक छोटा सा माइनर आर्क एंड मेजर आर्क का मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देन हमारा ये टॉपिक लगभग एंड हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट ओ। ये क्या, एक सर्कल लिया मैंने, सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है, और दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, दिस इज बी, तो ए एंड बी मीन्स ये वाला पार्ट। ओके, ये वाला क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज माइनर आर्क, दिस इज कॉल्ड एज माइनर आर्क। ओके, और मैं मेजर आर्क को मैं येलो से दिखाता हूँ, बी से हम चलेंगे और ये ए पे आएंगे, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज मेजर आर्क, दिस इज कॉल्ड एज मेजर आर्क। ओके, तो माइनर आर्क का एंगल क्या हो जाएगा, जो ये वाला माइनर आर्क का एंगल हो गया, ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ माइनर आर्क, एंड मेजर आर्क का एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो येलो से मैं डिनोट किया, डेट इज वो वाला एंगल क्या हो जाएगा, मेजर आर्क का एंगल हो जाएगा। देखते हैं आपके एक्सरसाइज में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम डिस्कस करेंगे। यस, एक सर्कल लिया मैंने, एक सर्कल लिया मैंने, और ये क्या, दिस इज द सेंटर पॉइंट ओ एंड एंड दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ओके, दिस इज 60 डिग्री ए बी। ओके, तो आप चैट बॉक्स में बताएं कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, माइनर आर्क के एंगल का क्या मेजरमेंट होगा एंड मेजर आर्क के एंगल का क्या मेजरमेंट होगा। एक सर्कल लिया मैंने, ओके, एक सर्कल लिया मैंने, और ए ओ बी इज द एंगल, ए ओ बी एक एंगल है जिसका मेजरमेंट है 60 डिग्री। तो आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क एंड व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क का एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। प्लीज पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। यस, एक आंसर अभी तक आया है, 30 सेकेंड्स का मैं टाइम देता हूँ, सभी लोग आप अपना आंसर चैट बॉक्स में डालें। मैंने अभी जस्ट बताया माइनर आर्क क्या होता है, आप सीधे देखें कि इसमें सबसे पहले माइनर आर्क फाइंड करें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा डैट एंगल विल, डैट एंगल कॉल्ड एज माइनर आर्क का मेजरमेंट होगा, और आप मेजर आर्क फाइंड करिए और उसके अलोंग जो होगा डैट इज कॉल्ड एज मेजर आर्क, मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क। तो मैं साथ साथ मैं बता भी देता हूँ कि लेट अस सपोज माइनर मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, एक मिनट, हाँ, जिसे मैं अभी रेड से डिनोट कर रहा हूँ, ये जिसे मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज द स्मॉलर पार्ट, दिस इज द स्मॉलर पार्ट, एंड ग्रीन से मैं जिसे डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये बड़ा वाला पार्ट है। तो रेड वाला क्या हो गया, रेड वाला क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया,
एंड ग्रीन वाला क्या कहलाएगा? मेजर आर्क कहलाएगा। रेड वाला क्या कहलाएगा? माइनर आर्क। एंड ग्रीन वाला क्या कहलाएगा? मेजर आर्क। तो माइनर आर्क का एंगल क्या है? माइनर आर्क का एंगल ये है एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो माइनर आर्क के जगह पे आप सीधे क्या लिख दोगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री। एंड मेजर आर्क का एंगल क्या है? मेजर आर्क का एंगल क्या होगा? ये वाला, ये जो कंप्लीट है ये क्या होगा? मेजर आर्क का एंगल होगा। तो ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ आपको ये मालूम नहीं है, बट आपको ये मालूम है कि एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं, बट यहाँ पे 60 डिग्री इन्होंने कंज्यूम कर लिया। तो ये जो यहाँ पे ये जो बचा हुआ है ये क्या होगा? 360 माइनस 60, डेट इज इक्वल टू 300, 300 डिग्री। सो द मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क विल बी 60 डिग्री एंड द मेजरमेंट ऑफ द मेजर आर्क विल बी 300 डिग्री। सो यहाँ पे हमारा माइनर आर्क एंड मेजर आर्क का डिस्कशन एंड होता है। आप क्या करोगे? प्रैक्टिस सेट 43 के में 3 क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस सेट 42 जो मैंने होमवर्क दिए थे पिछले क्लासेस में, उसमें 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पिछले क्लासेस का क्या था? होमवर्क था। एंड बाकी क्वेश्चन नंबर 4 मैंने प्रैक्टिस सेट 42 का मैं डिस्कस ही कर दिया था। तो प्रैक्टिस सेट 42 के आपको प्रैक्टिस सेट 42 के आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस सेट 43 में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका होमवर्क रहा, ये ओरली होमवर्क है, मैं गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस हाँ, सभी लोगों ने आंसर दिए हैं। सो हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। वेरी गुड। द एंगल ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज, हाँ एंगल ऑफ सर्कल यू कैन से एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर, यस 240 डिग्री। तो 240 डिग्री आपने शायद गलत कैलकुलेशन किए हैं। आपको 360 डिग्री में से 60 डिग्री सब्सट्रैक्ट करने थे, देन यू गेट द राइट आंसर। यस 180 इज द रॉन्ग आंसर, 60 डिग्री। यस 60 डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ द माइनर आर्क। यस 360 डिग्री, 360 इज 360 क्या हो जाएगा? एक सर्कल का टोटल जितने भी एंगल्स हो गए वो 360 हो जाएगा। तो इन्होंने 300, यहाँ से आंसर आना स्टार्ट हुआ। यस 300 इज द मेजरमेंट ऑफ द मेजर आर्क। 360 माइनस 60, वेरी गुड। माइनर आर्क इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर आर्क इज इक्वल टू 300। यस आपने सही आंसर किए। यस 60 एंड 300, वेरी गुड। सो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क का मेजरमेंट शायद सभी लोगों ने समझ गए हैं। जैसा कि लगभग सभी लोगों ने आंसर्स किए थे, कुछ लोगों का गलत आंसर्स भी आया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग समझ गए होंगे। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 11 जो कि सर्कल था, ये आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आप ये क्वेश्चंस करिएगा, क्वेश्चंस करके अगली क्लासेस में आइएगा, और आपके कोई क्वेरीज होंगे तो पहले हम क्वेरीज डिस्कस करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके, तो अभी हम चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका पैरामीटर एंड एरिया है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर नंबर 12 क्या स्टार्ट करें, या किसी को कोई क्वेरीज है? यस ओके, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें। यस लेसन 12 पेरीमीटर एंड एरिया अभी मुझे स्टार्ट करना। सो नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि फिर नए टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो शायद आखिरी में
टाइम नहीं बचेगा ये क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? ओके ओके ओके, यस यस, वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? अगर मेरी आवाज ब्रेक करे तो मेरी आवाज सही है, ब्रेक कर रही है? आप लोग चैट बॉक्स में बताएं, मैं आपका जस्ट चैट बॉक्स देख रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका जो कि सेमेस्टर्स के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले मैं देख लेता हूँ। वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके। नो सर, क्लियर वॉइस, ओके। कुछ लोगों का कहना है सही है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें माय वॉइस इज क्लियर टू यू। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? अगर आ रही है तो यस लिखें, नहीं आ रही है तो नो लिखें। ओके, इनका चैट बॉक्स में आप लिखें वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत कम ही लोग चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? स्क्रीन में ऑफ कर दिया हूँ, स्क्रीन में ऑफ कर दिया हूँ क्योंकि यस ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन अगेन। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज क्यूब ऑफ दैट, द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज डैश ऑफ दैट नंबर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था और वहाँ पे क्यूब आपको भरने थे। सेकंड क्या था? इन ए जॉइंट बार ग्राफ द विड्थ ऑफ ऑल कॉलम शुड बी इक्वल। मैंने बार ग्राफ में, जॉइंट बार ग्राफ में आपको बताया था कि जितने भी आप वर्टिकल कॉलम ड्रॉ करोगे तो सारे के विड्थ क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 5x² प्लस 3y प्लस 5z माइनस 3। तो यहाँ पे देर आर 4 नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि देर आर यहाँ पे 5x² के बाद प्लस है, 3y के बाद प्लस एंड 5z के बाद माइनस है। सो मैंने आपको बताया था कि प्लस एंड माइनस मींस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सेपरेट्स द टर्म व्हाइल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डजंट। सो यहाँ पे प्लस एंड माइनस तीन तीन बार यहाँ पे यूज किया गया, सो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ये एक छोटा सा फॉर्मूला था, मैं आपको बॉक्स बना के ये लिखाया भी था। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डायमीटर टू द नंबर ऑफ डिवीजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट मीन्स डैट रेशियो इन डायरेक्ट प्रपोर्सन। तो ये डायमीटर का, ये जब हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्सन हमने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स था जो कि आपके बुक्स में भी है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। आप अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्सन के बुक्स के सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स है वो आप पढ़िएगा, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया। देन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, सो सबसे पहले ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लगभग बहुत लोगों का 5 में 5 भी आया था, 5 में 3 भी आया था, एक क्वेश्चंस बहुत लोगों का गलती हुआ था। यस, सो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। सो द फर्स्ट वन इज 3x
3x^5 +9y, सो इट हैज टू टर्म। इसके पास कितने टर्म है? टू टर्म है। दूसरे में क्या है? -3, क्या -3^4। -3 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 81। इसके बाद क्या है? 5mn, सो 5mn इज मोनोमियल। ये 5mn इज मोनोमियल, ये मैक्सिमम लोगों का सही हुआ था। देन m^11 डिवाइडेड बाय m^8। ओके, तो m^11 को अगर आप m^8 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट m^3। ओके, ये भी बहुत लोगों का गलत ही हुआ था और बहुत लोगों का सही भी हुआ था। सिर्फ एक या दो ही लोग ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सारे उनका ये आंसर सही हुआ था। एंड द लास्ट वन इज a^0। यहाँ पे ए क्या है? कॉन्स्टेंट है। सो कॉन्स्टेंट के ऊपर में अगर कुछ भी पावर दिया जाता है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल हो जाता है। ये लगभग सभी लोगों का ये सही था, a^0। इसके बाद 1/7 -3 एंड होल रेस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? -3 और -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी 1/7 -12। ओके, यस। सो मैं बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 10mn +3x -5z राइट ऑल द वेरिएबल्स। इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं ये आपको लिखने हैं। सो देर आर 4 वेरिएबल्स m, n, x एंड z। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों के अप्रोक्स सही हुए थे। इसके बाद गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म। आपको लाइक टर्म के दो उदाहरण देने थे एंड अनलाइक टर्म्स के दो एग्जाम्पल्स आपको लिखने थे। इसके बाद गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के एक एक एग्जाम्पल्स आपको देने थे। सो मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784। सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वेश्चन आस्क फ्रॉम रूट एंड इंडिसेस। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आंसर इन ब्रीफ था, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें कुछ लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे। इसमें से रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन हमने पूछा था जो कि आपको उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस भी किए थे। देन सो ये वर्ड प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूँ। यस, क्वेश्चन 1 आई कांट अंडरस्टैंड। ओके, सो कौन से क्वेश्चंस 1 आप नहीं समझ पाए? कौन से क्वेश्चंस नंबर 1? मेरे ख्याल से क्वेश्चन 1 सबसे पहला ये था। ओके, सो द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज क्यूब ऑफ दैट नंबर। किसी नंबर का थर्ड पावर क्या होता है? उसका क्यूब होता है। सो इट इज 8:43 नाउ। सो ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नए टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 12, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया। सो जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड, बुक आपके सामने में लोड हो रहा है स्क्रीन पे। पेरीमीटर एंड एरिया में सिंपली सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम पेरीमीटर के बारे में देखेंगे जिसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन आफ्टर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर,
देन एट लास्ट वी विल स्टडी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, और उसके बाद सरफेस एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, सर्कल जैसा ये छोटा चैप्टर नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर, कैन एनीबॉडी से, पेरीमीटर किसे कहते हैं? ओके, पेरीमीटर, पेरीमीटर किसे कहते हैं, व्हाट इज पेरीमीटर, क्या कोई बता सकते हैं क्या? आप अपना नेम चैट बॉक्स में लिखिए, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। अच्छा, आपने फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में नहीं पूछा था। ओके, हम फिर से दूसरे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं पेरीमीटर मैं खुद ही बता देता हूँ, शायद आप लोगों ने नहीं बताए। पिछले चैप्टर जो हमारा क्या था, सर्कल था। ओके, क्या था हमारा, सर्कल था। तो सर्कल में हमने क्या आपको बताया था, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता था, पेरीमीटर को ही सर्कमफेरेंस बोला जाता है। पेरीमीटर क्या है, दिस इज कॉमन टर्म, मींस पेरीमीटर क्या होगा, एक रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर होगा, एक ट्रेंगल का भी पेरीमीटर होगा, एक ट्रेपेजियम का भी पेरीमीटर होगा, एक काइट का भी पेरीमीटर होगा, बट सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका एक अलग नाम है, डेट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस, डेट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस। तो पेरीमीटर मैंने अभी आपको पिछले पिछले टॉपिक में भी हमने पेरीमीटर का डिस्कशन किया था। तो हम यहाँ पे दो आकृति लेते हैं, टू, यस, पहला, यहाँ पे हमने दो दो फिगर लिया, दो फिगर लिया। ओके, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है। सो कैन एनीबॉडी से, क्या कोई बता सकते हैं कि फिगर ए क्या है और फिगर बी क्या है? फिगर ए और फिगर बी क्या है? जैसे ये क्या है, ये सर्कल है, तो उसी तरह फिगर ए क्या है और फिगर बी क्या है? आप अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करके लिखें, व्हाट इज फिगर ए एंड व्हाट इज फिगर बी, व्हाट इज फिगर ए एंड व्हाट इज फिगर बी। जैसे सर्कल हो गया, रोम्बस हो गया, ऐसे ही फिगर ए को हम क्या बोलेंगे और फिगर बी को, आपको देख के जैसा लगता है आप बोल सकते हैं। फिगर ए इज रेक्टेंगल एंड फिगर बी इज स्क्वायर। अभी तक दो आंसर्स आए हैं, फिगर ए को रेक्टेंगल कहा गया और फिगर बी को स्क्वायर कहा गया। तो फिगर ए को रेक्टेंगल इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके लेंथ और ब्रेथ क्या है, डिफरेंट है, बट फिगर बी को स्क्वायर इसीलिए कहा गया बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर हो जाएंगे, और दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं देन इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल। इसके अलावा भी इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आप क्लास 8 में आप पढ़िएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही आपको जानना है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है। तो मैं आपका पहले एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस, बहुत सारे आंसर्स आए, रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर, वेरी गुड, इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर, वेरी गुड, पेरीमीटर। आपने टाइप करके लिखे, आप अपना माइक ऑन करके बोल ले, व्हाट इज पेरीमीटर, द आउटसाइड लेंथ और आप अपना माइक ऑन करके बोले व्हाट इज पेरीमीटर। आपने टाइप किए हैं काफी मेहनत करके। ओके, तो मैं प्रोसीड करता हूं। यस, सो फिगर ए इज रेक्टेंगल, फिगर ए इज रेक्टेंगल, फिगर ए को आपने क्या बोला, रेक्टेंगल बोला,
एंड फिगर 20 स्क्वायर, फिगर 20 स्क्वायर, ओके। तो मैं नीचे में रेज कर दिया ए बी। तो लेट अस सपोज ये क्या हो गया, ये लेंथ एल, तो ये भी क्या हो जाएगा एल, बिकॉज द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड दिस इज ब्रेथ, दिस इज कॉल्ड एज बी एंड दिस इज बी। ये यहां से यहां तक लेंथ है और यहां से यहां तक ये ब्रेथ। थोड़ा ध्यान से देखना आप, फिर यहाँ पे ये लेंथ है, फिर यहाँ पे लेंथ है, एंड इसी तरह अब मैं ये यहाँ पे स्क्वायर को मैं इरेज करता हूँ। स्क्वायर का हम केस हम फिर से देखेंगे, तो हम आपके चैट बॉक्स पे चलते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, यू कांट ओपन योर माइक, नो प्रॉब्लम। तो यस प्लीज टेल कि व्हाट इज सरकमफेरेंस। Yes, हाँ यस यस प्लीज टेल। the length of all sides of a closed figure is the perimeter. यस द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एज पेरीमीटर, वेरी गुड। तो इन्होंने क्या बोला, लेंथ ऑफ ऑल क्लोज साइड, तो ये वाले जो फिगर रेक्टेंगल है तो इसका हम पेरीमीटर अभी हम फाइंड करने वाले हैं। तो लेट अस सपोज कि आप एक पॉइंट मार्क किए यहाँ, ओके दिस इज अ पॉइंट। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो अगर आप यहाँ से अगर आप यहाँ पे ट्रेवल किए तो ये क्या हो गया एल हो गया, तो यहाँ पे आप एल लिख दीजिएगा। देन यहाँ से यहाँ पे जाएंगे क्योंकि हमें पेरीमीटर लेना है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स। तो यहाँ से यहाँ गए तो ये क्या हो गया, दिस इज बी, तो एल प्लस बी। देन बी से हम यहाँ से लेफ्ट ले लिया, देन ये वाला लेंथ आ गया, सो बी प्लस एल, एंड फाइनली आप यहाँ पे आ गए अपने घर पे। तो ये लेंथ आपने कितने ट्रेवल किया, बी, ओके। मीन्स आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आ गए, तो आपने टोटल एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी इतना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। तो एल प्लस एल इज इक्वल टू, एल प्लस एल इज इक्वल टू 2L एंड बी प्लस बी इज इक्वल टू 2B, ओके। मीन्स आपने यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किया, आपने यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किया ऐसे जा करके और इसी पॉइंट्स पे फिर वापस आ गया, तो आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सबसे पहले L, L यहाँ से यहाँ आया, देन B यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, देन अगेन L एंड अगेन B। सो द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाई यू इज एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एंड इफ यू एड, बिकॉज एल प्लस एल बोथ आर लाइक टर्म एंड बी आर ऑल्सो लाइक टर्म, सो वी कैन एड एल प्लस एल एज 2L एंड बी प्लस बी एज 2B। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, टू यहाँ पे है दोनों में, टू कॉमन है, सो टू इज कॉमन एंड टू इंटू एल प्लस बी, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू इंटू एल प्लस बी। मैं यहाँ पे आपको नए स्लाइड में लिख देता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू इंटू एल प्लस बी, ये आपका हो गया। और ये क्या है आपका, ये रेक्टेंगल है जो कि जिसका लेंथ ये है एंड ब्रेथ ये है, ओके। सो दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला ये हो गया। इसी तरह आप अपने नोटबुक पे भी लिख लीजिएगा, इट इज 8:54 नाउ। सो मैं आपको एक क्वेश्चंस देता हूँ कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है, एंड ब्रेथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर
आपको फाइंड करके फटाफट बताने हैं व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? आपको 1 मिनट का टाइम दिया हूँ, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करके फटाफट बताइए। सभी लोगों से मेरा आंसर एक्सपेक्टेड है। ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिए, फिर आज का आपका क्लास ओवर हो जाएगा। यस 10, 10 आंसर्स आया है। यस ओके ओके, सो 10 आपका आंसर्स आया है। बट मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करने थे, फॉर्मूले पे पुट करने थे 2 × L + B। सो L इज 6 एंड B इज 4। सो 6 + 4 इज इक्वल टू 10 एंड 10 × 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे एंड करना चाह रहा हूँ। हमारे आसपास में थोड़े नॉइज हो रहे हैं, डैट्स वाई आज का क्लास यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। बाकी अगले क्लास में आपको बताऊंगा, इससे आगे हम प्रोसीड करेंगे, स्क्वायर पे चलेंगे। देन ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा आपको मीन्स 2 या 3 क्लास ये चैप्टर चल सकता है। ओके, और ये समझने की चीज़ है। सो प्लीज नाउ क्लास इज ओवर, प्लीज लेफ्ट द सेशन। सभी लोग जल्दी से सेशन लेफ्ट कर जाइए। बाय सर। बाय सर।